नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.1 प्रश्न नंबर 2 है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इसका प्रथम भाग है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्षेत्रफल हम बाद में लेते हैं, पहले देखिए क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, इसका मतलब पहले चौड़ाई पता होगी, उसका दुगना और उसमें एक अधिक करेंगे तो वो लंबाई होगी। तो हम मान लेते हैं कि मान लो चौड़ाई बराबर है एक्स मीटर, या इंग्लिश में है तो हम एक्स मीटर ऐसे मान लेते हैं, तो लंबाई कितनी हो जाएगी। अब इसी को हमने ध्यान से देखना है, लंबाई कितनी है चौड़ाई के दुगने। चौड़ाई है एक्स, इसके दुगने, दुगने होगा 2x, है ना बच्चों। चौड़ाई है एक्स, चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई है एक्स, इसका दुगना हो गया 2x से एक अधिक, इससे भी एक अधिक यानी +1। ठीक है, तो लंबाई कितनी होगी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, एक अधिक मतलब +1। ठीक है बच्चों, तो ये चौड़ाई आ गई और ये लंबाई आ गई। अब हमें इसका दिया हुआ है क्षेत्रफल, कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना बच्चों। क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये लंबाई गुना चौड़ाई है 528 मीटर स्क्वायर के बराबर। लंबाई कितना है अभी हमने देखा, ये 2x+1, और चौड़ाई कितनी है एक्स, तो गुना एक्स, ये गुना का निशान है, ये एक्स है, ठीक है, बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब हम ध्यान से बच्चों देखेंगे कि यहां ये ब्रैकेट इस एक्स से गुना हो रही है, इसका मतलब ये एक्स पहली रकम से भी गुना होगा और दूसरी रकम से भी गुना होगा। तो जब ये एक्स पहली रकम 2x से गुना होगा तो ये बन जाएगा 2x², है ना बच्चों। एक्स गुना 2x, 2x², बीच में है प्लस, तो प्लस एक्स गुना 1x बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अगले स्टेप में 2x² प्लस एक्स, 528 यहाँ बराबर के आगे प्लस का है, इसके साथ कोई निशान नहीं है यानी प्लस है, जब ये बराबर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 528 बराबर, बराबर के आगे से 528 हट गया तो बाकी कितना बच गया, 0 बच गया। अब ध्यान से देखेंगे तो चौड़ाई थी एक्स, लंबाई थी चौड़ाई से के दुगने से एक अधिक, क्षेत्रफल है 528, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528, लंबाई है 2x+1 गुना चौड़ाई है x बराबर 528 मीटर स्क्वायर। तो ये बन गया 2x × x 2x² प्लस 1 × x x बराबर 528, 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। इनमें आप देखेंगे तो ये तो दो के पहाड़े में आता है, ये एक के पहाड़े में आता है, ये 528, ठीक है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका अर्थ ये है यही हमारी द्विघात समीकरण है। हमारा प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न है इन स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। बस हमने द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, यानी द्विघात समीकरण बनानी है बस, उसको आगे हल नहीं करना है। तो ये हमने द्विघात समीकरण बना दी। इसी द्विघात समीकरण को हल करके हमें आगे एक्स की वैल्यू पता लगेगी, जिससे हम भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न में सिर्फ द्विघात समीकरण बनाने के लिए कहा गया है, तो ये हमने बना दी। ये प्रश्न यहीं पर खत्म होता है। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ आया होगा, ये भाग आपको समझ आया होगा। यदि आपको ये भाग अच्छे से समझ आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।